आपकी मम्मी की लास्ट मोमेंट हमें जाननी है। 5/5/2021 में मेरी मम का देहांत हुआ, लेकिन उससे पहले 3 दिन तक वेटिंग में वहां पे हॉस्पिटल पूरी बुक थी। और सबसे ज्यादा डर तब लगा जब ये अमरेली गई और वहां पे रिपोर्ट करवाया और कोरोना पॉजिटिव आया। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब यहाँ पे दादा इस रूम में सो रहे थे। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स मार देते, इंजेक्शन देकर मार देते थे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मस्त सुबह हो चुकी है और चकली अच्छी अच्छी करती आई है। और किंजल यहाँ पे कितना मजा आता है सुबह सुबह, है ना। झाकड़ देखो, अभी झाकड़ आ रहा है, चालू हो गया है। हाँ, तो धीरे धीरे मौसम भी चेंज होने लगा है। ठंडी ठंडी बढ़ती जाएगी, है ना। अभी दोपहर में गर्मी, रात को भी ठंडी। गलगोटा भी आने लगा है, देखो छोटा छोटा यहाँ पे गलगोटा भी आने शुरू हो चुका है। अभी बहुत खिलेगा, मस्त। ये व्हाइट कलर देखा, कितना मस्त आता है, देखो ये। देखो अलग अलग सब कलर है, देखो ये फार्म पे हम ये फूल सारा लगाएंगे, है ना किंजल। बहुत मस्त लगता है। उधर भी देखो, उधर तो देखो कितना मस्त। आ जाओ इधर। सुबह अर्ली मॉर्निंग ध्यान किया, ओम, हाँ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी 108 पाठ हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग शेड में दिया है, देखो कितना मस्त लग रहा है। देखो भी है, ऑरेंज भी है, पिंक है, सब कलर आ गए, येलो, एकदम येलो। ये फूल जो है ना, 10 दिन रहता है वैसा का वैसा, कुछ नहीं होता, उड़ जाता नहीं। हाँ। सुबह सुबह ठंडी वाला माहौल, लेकिन शो पीस है। खाएंगे आज, कल तो हम दोनों ने खाया नहीं था रात को, दर्शक को रात में ही भूख लग गई थी, कुछ खाना है नहीं ही अभी कुछ। ये चलते हैं अभी उधर। डिंगली अभी अभी उठ गई है, बहुत जल्दी जल्दी उठ गई है आज। अरे उठी गई बेटा, अरे उठी गई, मत दिख रही ये, अरे उठी गई तू, ये ढीम बूढ़ी उठी गई बेटे तू। आओ तो अच्छा है। तो यहाँ देखो वाली वाली हो रही है सुबह सुबह 6:30 बजे। ओ हो हो हो, क्या बात है, देखो दोनों का प्रेम देखो। एक दूसरे से चोट गई है, देखो अभी इतना प्यार है दोनों के बीच में, देखो। अभी करो, मम्मा ने करवी छे वाली वाली, मम्मा ने करवी छे को मो डिक्लो थे जो मो बोलो थे यूट्यूब डिक्लो मो वो डिक्लो। चलो मेलो मेलो मेलो, सुबह सुबह मस्ती के मूड में है अभी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। तो अभी बजे सुबह के 6:30 और अभी आरोही भी उठी है, रुई जा रही है स्कूल। तो रुई के लाज लंच बॉक्स में दिया है मैंने थेपला खाया है। तो बच्चे को सुबह सुबह खाना खिलाना चाहिए, दूध पी के ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। सुबह सुबह का खाना मतलब बहुत अच्छा माना जाता है, तो सुबह सुबह खिलाओ बच्चे को और उसके बाद स्कूल भेजो। चलो अभी मुझे बनानी है भाखरी, तो अभी जा रही किचन में। और यहाँ पे देखो ये, अरे शू करे छे पप्पा ने वाली वाली करे छे, ए जो झगड़े छो, थोड़ी वार में तो झगड़वा मड़े, थोड़ी वार में तो प्रेम भी उभराई जाए। अरे क्या जाऊ तारे, क्या जाऊ छे बार, काम में जाऊ छे। हां पड़े पछि काम में, दादा काम में, बाय बाय। क्या जाऊ छे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मस्त। अभी भिंडी कटिंग पेस्टिंग हो रही है, घर की भिंडी, जोरदार भिंडी। अभी घर का ही खाते हैं ना, बाहर का क्या हम खाते हैं। पापा गए अवनी के घर, निचरा के घर, श्राद्ध है ना, तो वहाँ पे खाना है। अवनी के दादा का श्राद्ध, तो ऐसा श्राद्ध का दिन चल रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं श्राद्ध होता है। अभी रोई गई है, गोवणी की गई थी, तो गोवणी में बच्चियों को बुलाते हैं और सबको आ गई लगती है। कौन आयो देखो, अरे वाह, गोवणी में पैसा है, हूँ शाक तू और ये छोटी गोवणी घर पे थी नहीं। ढेम बूढ़ी
तो भाई जो पैसा आता है गुल्ला में डाल देती है, 20 रुपए आया तो 20 रुपए इसमें डाल देंगे, आपको भरेगी नहीं जानते हैं। दादा क्या गया? दादा कहाँ गया? रुई क्या गई? कपड़ा क्या छे? माथू क्या छे? आँख क्या छे? आँख गाल क्या छे? पछे ओठ क्या छे? ओठ दांत क्या छे? दांत काका। दोपहर के 5:30 बजने को आए और अभी हम बनाने जा रहे हैं एक अच्छी रेसिपी विलेज कुकिंग मस्ती की, जो बहुत ही बढ़िया लगती है सबको, एवरी वर्ल्ड में सब लोगों के लिए फेमस है, वो रेसिपी आज बनने जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं, आप विलेज कुकिंग में जाएगा, फिलहाल हम ब्लॉग में है, ठीक है? चलिए आपकी मान्यता उड़ दो आपके सामने एक बार फिर आ चुके हैं, बहुत सारी कमेंट थी और श्राप नजदीक आ रहा है, तो काफी लोगों ने मुझे पर्सनली बोला और इंस्टा पे भी मैसेज किया था कि आपकी मम्मी की लास्ट मोमेंट हमें जाननी है। वो तो सब तो बताया नहीं है ना। हाँ अभी नहीं बताया कि लास्ट मोमेंट पे वो भागा दौड़ी, वो डर, लास्ट मोमेंट जब याद करते ना तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ स्पेशली मैं यहाँ पे था तो था। बहुत ही तकलीफ में से हम सब लोग गुजर रहे थे। एक महीना तो इतना मतलब खराब कंडीशन थी ना, बात ये मत पूछो, इतनी खराब कंडीशन थी तब। और ऐसा नहीं कि हमारे पूरे देश में वही हालत थी, किसी को हॉस्पिटल नहीं मिल रही थी, किसी को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन का बाटला भी नहीं मिल रहा था सबको। हाँ वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो स्पेशली आज उनकी यादों की तरफ, उसका बड़ा श्राद्ध जब हम करने जा रहे हैं तो उनकी ये मोमेंट भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये बात शुरू हुई 5/5/2021 में, मेरी मोम का देहांत हुआ, लेकिन उससे पहले एक महीने मुझे सबसे पहले थोड़ी थोड़ी असर हुई थी कोरोना की। तो जहाँ पे लास्ट वाला जो ट्रैक्टर पड़ा रहता वहाँ पे मैं पहले सडनली वहाँ पे मैं सोता था, वहीं पे मेरा वहाँ पे खाना पीना सब, खाना पीना वहीं पे सब था। तो धीरे धीरे मुझे रिकवर हो गया क्योंकि इतना ज्यादा नहीं था। उसके बाद मेरे पापा को तकलीफ हो गई, उनको सर्दी हो गई, उनको तकलीफ हुई, तो वो यहाँ पे लोकल डॉक्टर से दवाई लेके आए तो उनको भी ठीक हो गया। लेकिन तब मेरी मॉम बोल रही थी, हम दोनों को बोल रही थी कि कितने दिन तक आप इस तरह खटिए में पड़े रहोगे, खड़े हो जाओ, अच्छा नहीं लगता था। हाँ तो वो बोल रही थी खड़े होकर अभी घूमो फिरो, आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन सडनली एक वीक के बाद उनको ऐसा फील होने लगा कि भाई आने लगा, उसको फीवर आने लगा और उनको ऐसा लगने लगा कि ये मुझे भी हो गया क्या। क्योंकि मुझे और पापा को डर नहीं था, हमें ये कॉन्फिडेंस था कि अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरी मोम का स्वभाव इतना दयालु और इतना नाजुक था ना कि वो डर गए। मम्मी को बोलते हैं हॉस्पिटल जाना है तो भी इमोशनल हो जाते हैं। हाँ उनके रोने लगते, उसको भी मतलब बहुत डर लगता था। हाँ डॉक्टर के पास जाना और इंजेक्शन का नाम लो तो मतलब डिलीव हो जाते थे। एक महीने से जब मुझे रेडी हो गया, मेरे पापा को रेडी हो गया, उसके बाद वो मेरी मोम को जब फीवर आया तब वो डर रही थी, तो उसको लेकर हम हॉस्पिटल अमरेली धाकड़ा सर के पास गए। वहां पे गए तो वहां पे 3 दिन तक एक बेड भी खाली नहीं था और 3 दिन तक वेटिंग में वहां पे हॉस्पिटल पूरी बुक थी, कहीं पर भी जगह नहीं थी। यहाँ पे बाहर कहीं पर भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल कहीं पर भी, क्योंकि कहीं पर जगह नहीं मिली इसलिए हमें बहुत सारा था ना। हाँ तो हमने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ जाए, क्या होगा। तो घर आए तो ऐसा लगा कि भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ और उनका असर किंजल के ऊपर पड़ा। मुझे भी फीवर आने लगा, तो किंजल को फीवर हुआ, मुझे तो पापा मैं प्रेग्नेंट थी, आरोग्य थी, 5 महीने चालू था मेरा रनिंग। हाँ 5 महीना चल रहा था, 5 महीना चल रहा था मेरा तब तो, और रूही भी छोटी थी, रूही को भी फीवर आने लगा फिर बाद में। तो हम सब लोग इतना डर गए कि हमें लगा कि हमारा क्या होगा, ये क्या संकट आ गया घर पे। किंजल को अमरेली भेज दिया और सबसे ज्यादा डर तब लगा जब ये अमरेली गई और वहां पे रिपोर्ट करवाया
और कोरोना पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मेरा, तब मेरा दिमाग हिल गया, काम करना बंद हो गया। पांचवा महीना चल रहा था तब तो मतलब बहुत टेंशन में आ गए थे। हाँ। तो बोले आप दवा भी नहीं ले सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, घर पे जो भी आपको करना है वो घर पे कर सकते। हाँ। बाकी क्योंकि कोरोना वाले की स्पेशल दवा थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडीज नहीं ले सकती थी क्योंकि उनको ये भारी पड़ सकती थी, बच्चे पे भी असर हो सकता था। अगर प्रॉब्लम हुआ, ज्यादा इफेक्टिव हुआ तो बच्चे को भी खतरा हो सकता था। मम्मी ने भगवान के आशीर्वाद से सब रेडी किया और विराली दोनों ने बहुत वहाँ पे सेवा की, विशाल ने भी इतना सपोर्ट किया, तो वो एक महीना वहाँ पे रही। उसके बाद मम्मी और पापा को कहीं पर भी जब हॉस्पिटल नहीं मिली, तब जहाँ पर मेरा रूम है लास्ट वाला, वहाँ पर दीवार के साइड में मम्मी का और इस साइड मेरे पापा का, उन दोनों का खटिया था, क्योंकि बाद में पापा को भी वो फील कोरोना का जैसा होने लगा था। तो हमारे यहाँ चलाला में ये वाड़ा साहब डॉक्टर, उनको घर पे बुलाते थे और दो टाइम ट्रीटमेंट करते थे, क्योंकि कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, इसलिए घर पे आके दो टाइम बोतल चढ़ाकर चले जाते थे। तो ये एक वीक तक चला और सब लोगों का कॉल, इतना रिलेटिव का कॉल कि क्या करे क्या ना करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब यहाँ पे दादा इस रूम में सो रहे थे और उनकी हालत बिगड़ने लगी। तब दो बोतल वहां पे चल रही थी और मैं अकेला था, अकेला सब मैनेज किया, कोई उस रूम में आने के लिए तैयार नहीं था, बाहर से सब लोग चले जाते थे। और इस रूम में जब दादा की हालत बहुत बिगड़ी, क्योंकि दादा का खाना पीना इतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया, वॉशरूम का इतना प्रॉब्लम हो गया। फिर दादा के आगे की मैं बात बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दादा को यहाँ पे तकलीफ होने लगी, तो डॉक्टर जो हमने मम्मी की और पापा की ट्रीटमेंट करने आते थे, उन्होंने दादा को चेकअप किया तो बोले कि ये भी बहुत नर्वस है अंदर से और जो शुगर है वो अप डाउन हो गया है, तो उनको भी नोजल चढ़ानी पड़ी। तो उनको यहाँ पे बोतल चढ़ रही है, मेरे मम्मी की पापा की वहाँ पे दोनों की बोतल, और ये अम्बरेली में दर्शक अकेले सब मैनेज किया। तो मैं यहाँ पे अकेला था और मम्मी को बाबू हालांकि खाना बना कर देते थे, लेकिन उनको स्पेशली उनके हाथ का उनको खाना अच्छा लगता था, वो सबसे ज्यादा वो प्रेफर करते थे। और दूसरा कि उनके अंदर सबसे ज्यादा वो डर था कि एक महीने से रिलेटिव में बाहर बहुत सारी डेट्स, न्यूज सुनते थे, डेट्स होती थी और इतनी डेट्स की भाई तकलीफ, हम बाहर बोर्ड लगा दिया कि भाई घर पे कोई आया जाए मत कीजिए। तो उनको ऐसा लग गया कि ये जिसको कोरोना होता है वो ज्यादातर जिंदा नहीं रहते, क्योंकि वो टाइम में हॉस्पिटल में भी ऐसे ऐसी न्यूज अफवाहें चल रही थी। हाँ, कि भाई हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स मार देते, इंजेक्शन देकर मार देते थे, ऐसी ऐसी अफवाह है, क्या है पता नहीं मुझे, आज तक वो डर बहुत ज्यादा था कि हॉस्पिटल में मेरे दादा गए, वहाँ पे अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और रात को अभी 5 बजे मुझसे बात हुई, बेटा मुझे यहाँ से ले जाओ, कुछ नहीं है, और 6 बजे फोन आता है कि आपके पिताजी एक्सपायर्ड हो गए। तो ये हो ही नहीं सकता, मतलब तब क्या घमासान चल रहा था, वो युद्ध होता है ना, वो बाहर शारीरिक होता है और ये मानसिक ऐसे युद्ध हुआ कि पता नहीं अंदर ही अंदर क्या वॉर चल रही थी। डॉक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे, काफ़ी डॉक्टर दिल से सेवाएं कर रहे थे और काफ़ी डॉक्टर सेवा करते करते कोरोना में परिवार के परिवार, हस्बैंड वाइफ चल गए, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिसने दिल से सेवाएं की, काफ़ी लोगों ने दिल से परेशान भी किया। तो डर का माहौल इतना बड़ा था ना कि हॉस्पिटल जाना मतलब डेथ, ऐसा ही मान लगता था तब तो बहुत डर लगता था कि भाई नहीं जा पाएंगे। तो मम्मी की 8 दिन तक ऐसी उनकी प्रोसेस चली, हर रोज उनको रिकवरी आने की वजह, उनको जब डॉक्टर यहाँ पे आते थे ना घर पे, तब वो बहुत ही मस्त लगता ही नहीं था कि इसको कुछ हुआ है, और हालांकि उसको कोरोना था ही नहीं, था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर थे ना वो उसके सामने मास्क निकाल के बोलते थे, देखो मुझे कुछ है, मुझे कुछ भी आप बोलो तब तक मैं मास्क निकाल के बैठता हूँ, आप डरिए मत। मेरे मम्मी को डॉक्टर ने बहुत डर निकाला, लेकिन डॉक्टर जब चले जाते थे तो वापस उस डर में अंदर घुस जाते थे, उसको डर ही लगता था इसमें। हाँ, लो बीपी हो गई मम्मी को, तो वो लो बीपी का जो प्रॉब्लम था ना उसकी दवाई भी लेते थे। अच्छा काम करते, कल आपको उसी जर्नी से हम शुरू करेंगे जहाँ से मम्मी को हॉस्पिटल पे लेके गए, और उसके बाद दादा को क्या हुआ जो हम डर गए थे, मम्मी का क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, मम्मी का जो मैं क्या सुना, तो मुझे भी कितनी मतलब, हाँ उनको कैसे ठीक हुआ, मम्मी को क्या हुआ, वो सब हम आपको कल के ब्लॉग में पूरा डिटेल हम बताएंगे। तो कल के
ब्लॉग के एंड में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो आज आरोही जग चुकी है और इनके बिना वो सोएगी नहीं। तो कल हम वापस मॉम की जो बात है उनके ऊपर लास्ट पूरी मूवमेंट पे बात करेंगे और उसके बाद श्राद्ध का पूरा यहाँ पे माहौल होगा और आप सब लोग सब देखिएगा, सब गेस्ट आएंगे तो सबको मिलिएगा। आप भी हमारे फैमिली की तरह हो, आशीर्वाद देते हो, जुड़ते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सब लोग आशीर्वाद बहुत ज्यादा देते हैं। हाँ, दिल से बहुत जुड़े हो, सही में बहुत देते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमें ऐसे तो सब बोलते लेकिन दिल से जो देते हैं ना वो ही सच्चा मतलब आशीर्वाद। फैन इतने हैं, सब्सक्राइबर भी मैं बोलता हूँ सुपरस्टार के भी सब्सक्राइबर हो गए, उनके भी फैन हो गए, लेकिन आशीर्वाद देना और अपना मानना ना वो बहुत अलग बात है। और मेरे ये आप सब लोगों की जो फैमिली है, मेरे जो 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर है उसमें से 90% लोग, 80-90% लोगों की हमारी प्रति जो फीलिंग है वो एक फैमिली की तरह है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखते रहेंगे, मस्ती मजाक करेंगे और कल अभी शायद वो रो रही है तो हम वापस कल मुम की आगे की सिचुएशन से जुड़ेंगे और आपको सब बताएंगे। तो चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय, कल मिलते हैं। Thank you, good night.